अलावा भी बहुजन समाज के लोगों को, जो एससी एसटी ओबीसी लोग होते हैं उनको भी बहुजन के जो बुद्ध के विचारों पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं यहाँ सबसे पहले शब्द के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जो शब्द इस्तेमाल किया गया बहुजन शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है, बहुजन शब्द असल में भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित शब्द है। बहुजन का अर्थ है अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो भगवान बुद्ध ने कहा है आपका कल्याण आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, तो अधिक से अधिक लोग, समाज के बहुसंख्यक लोग ऐसे कर्म करें जिससे उनका कल्याण हो सके। अच्छा, बहुजन का मतलब किसी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय से नहीं है। बहुजन का मतलब केवल और केवल मानव से है, मनुष्य से है, और अगर पूरी दुनिया में 100 मनुष्य हैं तो अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण हो सके। परंतु धीरे धीरे जब परिस्थिति बदलती गई तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुजन शब्द का जो मतलब है वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से लगा लिया गया है। यह वर्तमान में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। अदरवाइज भगवान बुद्ध के बहुजन की जो परिभाषा है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी नहीं है। भगवान बुद्ध के बहुजन शब्द की परिभाषा है कि उसमें हो सकता है वो मुस्लिम हो सकता है वो ईसाई हो सकता है वो सिख हो सकता है वो किसी भी जात धर्म वर्ण संप्रदाय से संबंध रखने वाला हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सकता है। तो यहां इस शब्द की व्याख्या मैंने इसलिए की ताकि हम सही मायनों में इस बहुजन शब्द का अर्थ समझ सकें, क्योंकि जो बहुजन शब्द हमें बताया गया उसके राजनीतिक मायने हैं और मैं यहां राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं। पहली दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज की, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की सस्य श्यामला भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध का धम्म अपनाकर पूरे विश्व को करुणा मैत्री और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो संदेश पूरे विश्व में गया और मुख्य रूप से शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों में इसलिए गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे मसीहा हैं। तो इस वजह से हम मुख्य रूप से बाबा साहब को शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों से जोड़ के देखते हैं। जब नागपुर में बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म का अनुसरण किया था तो बाबा साहब ने 5,00,000 अनुयायियों के साथ बुद्ध के धम्म को अपनाया और फिर उससे अगले साल 14 अप्रैल 1957 को महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मौर्य जी ने भी 3,00,000 लोगों के साथ बुद्ध का धम्म अपनाया। तो ये श्रृंखला बदस्तूर जारी रही। समय समय पर शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के मसीहाओं ने बुद्ध का धम्म अपनाया, परंतु बुद्ध के धम्म को अपनाने से कोई बुद्धिस्ट नहीं हो जाता। बुद्ध की शिक्षाओं को जब तक अंगीकार करके उन्हें अपने आचरण में ना उतारे तब तक हम बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। बुद्धिस्ट होने का सबसे अच्छा तरीका केवल यह है जब, क्योंकि बुद्धिस्ट होना या बुद्ध हो जाना या बौद्ध हो जाना ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये असल में मनुष्य के मस्तिष्क की वो मनोस्थिति है। जब मनुष्य का मस्तिष्क अपनी मस्तिष्क की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जहां सुख और दुख का अनुभव समाप्त हो जाता है, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां वर्ण भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां मनुष्य केवल मनुष्य दिखाई देता है, जहां सभी के कल्याण की बात होने लगती है, जहां सभी में समन्वय की भावना पैदा हो जाती है, जहां सभी मनुष्य एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करने लगते हैं, तो जब मनुष्य के मस्तिष्क की वह पराकाष्ठा हो जाती है तब व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कह सकता है। उससे पहले बौद्ध कहलाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। केवल और केवल तीसरण पंचशील को ग्रहण करने से कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं होता। बुद्धिस्ट होने के लिए आचरण करना अति आवश्यक है।